हेलो एवरीवन, सो कंपनी है डेसन सीमेंट लिमिटेड एंड डेट है 21 अगस्त एंड डेली चार्ट लगा हुआ है। सो नॉर्मली क्या था, मैंने लास्ट टाइम इसमें बताया था, जो सर्च की थी इस पर मैंने, कि एक ब्रेकआउट यहाँ है और जो कैंडल्स वहाँ से बनी है, यानी कि यहाँ से जो कैंडल्स बनी है और वहीं से वॉल्यूम राइज होना स्टार्ट हुए हैं। तो अगर यहाँ से तो अगर यहाँ पे अगर मिल जाती है क्लोजिंग, तो यहाँ पे कैंडल वॉल्यूम देके एक एंट्री बन सकती है। लेकिन वहाँ पे कुछ हुआ, कुछ और ही हुआ, क्या कि रिट्रेस टाइप की बन रही है उसकी, जिस कैंडल को क्लोज ऊपर देना था उस कैंडल के अपर शेडो टच हुई, देन वहाँ से प्राइस नीचे। अब वहाँ से उस वीक ने तो क्लोज दिया नहीं, यानी कि लास्ट वीक था वो तो ऐसे गया ही गया, साथ में जो इस वीक की कैंडल है वो थोड़ी सी डिफरेंट बनी है। डिफरेंट कैसे, पहले तो ओपन नीचे से है एंड इसमें एक पॉजिटिव चीज़ भी है, वो क्या कि इस कैंडल ने जो क्लोजिंग दी है वो दी है अपने हाई के करीब, यानी कि लोअर शेडो बहुत लंबी है, अपर शेडो उससे थोड़ी छोटी है, आधी हाफ बोल सकते हैं, यानी कि इसने अपने हाई के पास क्लोज दिया, थोड़ी सी पॉजिटिविटी इसमें है। अब इसमें एक चीज़ और है देखने वाली, वीकली पे, क्योंकि मैंने बताया था वीकली पे इसमें वीकली का ब्रेकआउट देखना है कि यहाँ पर ब्रेकआउट करती है नहीं करती है, ठीक है। तो अगर वीकली का प्रॉपर देखा जाए तो ब्रेकआउट तो यहाँ पे हुआ है, बट ब्रेकआउट पॉइंट पर कैंडल थोड़ी सी लूज बनी है, वो कह सकते हैं। हो सकता है कि इस मंथ की कैंडल थोड़ी अच्छी बन जाए, मतलब इस वीक की कैंडल सॉरी, क्योंकि पोटेंशियल तो कंपनी के अंदर है, आज की कैंडल में भी देखने को मिल रहा है पोटेंशियल। सो देखते हैं कि आगे इसमें क्या होने वाला है, क्या इस वीक की कैंडल जो टाइप की हम कैंडल चाहते हैं वैसी बनती है या नहीं, या वॉल्यूम्स टाइप के आते हैं नहीं। सो आज के इतना ही, डन फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।